हेलो एवरीवन, दिस इज फराज खान एंड यू आर वाचिंग खान स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है होमोलोगस थ्री, जो कि आपका क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4, जो कि आपका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक टॉपिक है। और इससे पहले हम इस चैप्टर की दो पार्ट पहले ही बना चुके हैं, तो जिसने भी वो पार्ट ना देखे हो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका आपको लिंक आई बटन में शो हो रहा होगा, ठीक है? तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं होमोलोगस सीरीज क्या होती है। इट इज द सीरीज, एक ऐसी सीरीज होती है कंपाउंड्स की इन विच सम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट, जिसमें क्या है कोई फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सब्स्टिट्यूट कर देता है हाइड्रोजन को कार्बन चेन में से, ठीक है? यानी कि ऐसा ये ऐसी सीरीज है फंक्शनल ग्रुप की जो कि क्या करेगी कार्बन चेन में से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट यानी कि अलग कर देगी, ठीक है? वो है आपका होमोलोगस सीरीज। कोई फंक्शनल ग्रुप आपका एल्कोहल है, ठीक है? तो एल्कोहल की आपको सीरीज बना के दिखाई गई है कि CH3OH, C2H5OH और C3H7OH, इसी प्रकार से आपके आगे बढ़ते चली जाएगी ये सीरीज, ठीक है ना? इसका आपका नाम हो जाएगा मेथेनॉल, ये एथेनॉल, ये है आपका प्रोपेनॉल, ठीक है ना? ऐसी करते करते आपकी चीज आगे बढ़ जाएगी एल्कोहल वाली, ठीक है? तो इसी प्रकार से आपकी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की अलग अलग सीरीज होगी। जैसे कि आप देखते हैं आपको पहचानना कैसे कौन सा कौन कौन से सेम फंक्शनल ग्रुप के हैं सीरीज, ठीक है ना? देखते हैं आपका दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला, यानी कि जो भी आपका ये सीरीज होगी ना उस क्या है सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा उसमें, क्या है उसकी जो जनरल फॉर्मूला होगा वो जनरल फॉर्मूला उसका सेम होगा, ठीक है ना? जैसे कि मान लीजिए इसको देखेंगे आप, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका एल्कोहल ग्रुप है, तो एल्कोहल ग्रुप के आपका जो भी फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला बनाने का, तो वही इन तीनों का सेम रहेगा, ठीक है? अब देखते हैं एक और पहचान की एनी टू होमोलोगस डिफर बाय, यानी कि अगर हम किसी भी दो होमोलोगस को, ठीक है ना, अगर हम डिफरेंस करें, डिफरेंस निकालें, माइनस करें, तो उसका माइनस क्या आएगा CH2 निकल के आएगा, या फिर अगर हम उनका मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस निकालें तो उसका मास क्या आएगा डिफरेंस निकाल के 14U निकल के आएगा, ठीक है ना? तो ये आपकी पहचानने की पहचानने का तरीका है कि कौन कौन से सेम होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स हैं, ठीक है? यानी कि अगर आपका CH2 आ गया यानी वो सेम होमोलोगस का, अगर नहीं है तो वो सेम होमोलोगस का नहीं है, ठीक है? अगला है जो भी सेम होमोलोगस के होंगे उनकी क्या होगी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है? यानी कि जो भी कंपाउंड, जो भी कार्बन चेन, जो भी सेम होमोलोगस से है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो थोड़ी सी अलग होगी, ठीक है? देखते हैं क्यों। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें से इसे माइनस करना चाहता हूँ, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए लिखा मैंने C2H5OH लिखा मैंने, मैं इसको माइनस कर रहा हूँ CH3OH से, जिससे CH3OH, यानी कि मैं एथेनॉल को मेथेनॉल से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि C1 के बाद C2 वाला ही कार्बन की चेन वाला कंपाउंड आएगा, ठीक है ना? तो हमें ठीक आगे वाले को उसके ठीक पीछे वाले से माइनस करके देखना है, ठीक है ना? अब देखते हैं कार्बन यहाँ पर है 2, यहाँ पर कार्बन है 1, तो यहाँ पर आपका 2 में से 1 गया, 1 कार्बन आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपका टोटल हाइड्रोजन कितने, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन है 5 और 6, और यहाँ पर आपकी 3 और 4 है यहाँ पर, ठीक है ना? यानी कि आपका 6 में से 4 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, आपका हाइड्रोजन बचेगा 2, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी आपका 1 है, तो ये आपका ऑक्सीजन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपका डिफरेंस जो है वो आपका CH2 आया, जो कि आपकी पहचान थी यहाँ पर, ठीक है? यानी कि ये दोनों आपके जो कंपाउंड्स हैं ये आपके सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं, जो कि कौन सी सीरीज है एल्कोहल सीरीज है, ठीक है? और अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के निकाल तो आपको क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पर आपका 14U निकल के आएगा, ठीक है? 14U, ठीक है? अब इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी जो वो सेम तो होगी, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों का अलग होगा, ठीक है? अब अगर आपको नहीं पता कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है तो वो हम नेक्स्ट सेगमेंट डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है? अब हम चलते हैं सीरीज से नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग होमोलोगस सीरीज के जनरल फॉर्मूलास के बारे में, कि सबका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देखते हैं। आपने इन तीनों के बारे में तो पहले जान लिया कि आपका एल्केन सीरीज के जितने भी होंगे आपके कंपाउंड उनके आपका फॉर्मूला क्या होगा CnH2n+2 होगा, ठीक है ना? और इसी तरह से आपका एल्कीन का क्या होगा CnH2n, और एल्काइन का आपका होगा CnH2n-2, ठीक है? इसके बारे में आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है? लेकिन अब हम देखने वाले, जो हमने पिछले वीडियो में फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात की थी, तो उन फंक्शनल ग्रुप के हम सीरीज बनाएंगे तो हमें किन जनरल फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे क्या हमारे आसानी से उसका फॉर्मूला बन सके, ठीक है? देखते हैं। सबसे पहले आपका था एल्कोहल,
तो एल्कोहल में आप यूज करेंगे इस जनरल फॉर्मूले को, इसमें क्या है CnH2n, यानी कि यहाँ पर कार्बन में जो भी नंबर होगा उसका आपको डबल करके एक प्लस करना है और बाद में OH लगा देना है और आपका यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मूला एल्कोहल सीरीज का जो भी आपका होगा 1, 2, 3, 4 के हिसाब से। आगे देखते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आपको यूज करना है CnH2n और साथ में आगे पे आपको O लगाना है, ऑक्सीजन लगाना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे यहाँ पे आप उसको डबल कर देंगे हाइड्रोजन में और आपको ऑक्सीजन लगा देना, आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, ठीक है। कीटोन में आपका बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल एल्डिहाइड की तरह, यानी कि CnH2n और साथ में O यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आपके बिल्कुल सेम है। अब ध्यान देते हैं फोर्थ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की, इसका फॉर्मूला क्या है जो आपका दिखा हुआ है कि CnH2n+1 और साथ में COOH, क्योंकि आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान होती है COOH, ठीक है। देखते हैं CN यानी कि यहाँ पे जितने भी आपके नंबर होंगे उसका आपको डबल करके एक प्लस कर देना है और COOH लगा देना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बारी बारी सबका एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको एक एक फॉर्मूला बना के दिखाते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपको किस तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है। देखते हैं हम इन तीनों के तो बहुत सारे बना चुके हैं, ठीक है। तो हम एल्कोहल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज देखते हैं जैसे मान लीजिए एल्कोहल में हमने N=2 लिया है, ठीक है। तो N=2 के हिसाब से आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखते हैं। यहाँ लिखा है सी है, यानी कि मैं एन की जगह पर 2 पुट कर दूंगा, यानी कि C2, ठीक है। हम देखते हैं H लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा है 2N, यानी कि जितना आपका N था उसका डबल कर देना, एक प्लस कर देना, ठीक है। तो यानी कि 2 का डबल होता है 4 और 4 में एक प्लस हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो आपका C2H5 आ चुका, अब साथ में आपको क्या लगाना है OH और लगा देना है आपको, तो आपका ये फॉर्मूला हो गया तैयार C2H5OH, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा C2 के हिसाब से एथ और आपके एल्कोहल, तो आपके बन जाएगा एथेनॉल आपका बन जाएगा इसका नाम, ठीक है। अब देखते हैं ये तो एग्जांपल हो गया आपका इसका, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जांपल, ठीक है, एल्डिहाइड का। मान लीजिए हमने N=3 माना, ठीक है, एल्डिहाइड के लिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखते हैं, हमें एन की जगह क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना, क्योंकि हमने N=3 मान के चला है इसलिए। आगे एच में क्या लिखा है, 2N लिखा है, आपका जितना आपका यहाँ पे एन था उसका आपको डबल कर देना है। तो तीन कड़ वाला आपका कितना होता है, 3 कड़ वाला आपका होता है 6, यानी कि 6। तो C3H6 यहाँ पर आ गया। आगे लिखा हुआ है O यानी कि ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन और लगा दें, ये आपका बन चुका फॉर्मूला, ठीक है। किसका बन चुका फॉर्मूला, एल्डिहाइड का। और इसका नाम क्या हो जाएगा, C3 पे क्या होता है आपका, C3 पे आपका होता है मैट, यानी कि प्रॉप, ठीक है। तो प्रॉप की सबसे आपका नाम हो जाएगा प्रोपेनल, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक है। इसका नाम आपका एथेनॉल था, इसका नाम आपका हो गया प्रोपेनल, ठीक है। अब बात आती है आपकी इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर आपको खास ध्यान देना, क्या खास ध्यान देना, क्योंकि देखिए यहां पर आपके जो कार्बन है वो 2-2 बार आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जो है नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 0 से, ठीक है, 0, 1, 2 ऐसे करके हम स्टार्ट करेंगे इसके लिए, ठीक है। अब देखते हैं जब हम 0 लिखेंगे 0, ठीक है ना, यानी कि जब हमारा कार्बन 0 मान के चल रहे हैं, यानी कि हम N=0 मान के चल रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो देखते हैं। हमें सी लिखना है और एन की जगह हमें लिखना है 0, ठीक है। अब एच लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखा है 2, यानी कि 2 × 0 हो जाएगा, प्लस लिखा है 1 तो +1 लगा देंगे और साथ में COOH लिखा हुआ वो लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, देखते हैं C0 मतलब C2 हो जाएगा आपका बिल्कुल कैंसिल आउट, बिल्कुल गायब हो जाएगा। यहाँ पर H का है 2 × की जगह पर 0, यानी कि आपका H बचेगा सिर्फ 1, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इस पूरे पार्ट की जगह पर सिर्फ H बचा, ठीक है, और बाकी आपका COOH, ठीक है। ये आपका बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आपका हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, क्योंकि फर्स्ट पे आपका मेथेन ही आता है इसलिए मेथेनोइक एसिड, ठीक है। इसी प्रकार आप जब C1 का इस्तेमाल करेंगे 1 का, तो आपका निकल के आएगा इसके आगे वाला यानी कि एथेनोइक एसिड, इसका आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा CH3COOH, ठीक है। सेम फॉर्मूला को आपको यूज करना है, 1, 2, 3, 4 का आपको ध्यान रखना है और आपको इसे पुट करते चलना है और आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इतना बड़ा आपको समझ में आया, अगर इतना बड़ा आपको समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर किसी भी बच्चों को कोई भी दिक्कत हो इस पार्ट में
तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेट में, बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे रहते हैं इन सारे कंपाउंड का, ठीक है। तो देखते हैं, ध्यान देते हैं। पहले हम बात करते हैं एल्केन के बारे में, ठीक है, कि आपका अगर कोई भी एल्केनी सीरीज में तो कोई सा भी कंपाउंड आपका अगर आता है तो आपको उसका किस प्रकार आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना और स्ट्रक्चर फॉर्मूला को कैसे ड्रॉ करना है, देखते हैं। पहले हमने एग्जांपल लिया एथेन का। एथेन का जो होता है फॉर्मूला होता है C2H6 और इसका जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन सीरीज का CnH2n+2, ठीक है। अब देखते हैं एथेन में आपके कार्बन कितने, आपके दो हैं, तो आपको कार्बन दो इस प्रकार लिख लेने हैं। उसके बाद हाइड्रोजन आपके कितने हैं, 6 है, तो यानी कि आपको एक एक कार्बन पर आपको तीन तीन हाइड्रोजन रख लेने हैं, ठीक है। तो आपने दोनों कार्बन को मिला के 6 हाइड्रोजन रख दिए। आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम क्या करेंगे, सब जगह हाइड्रोजन पर हम एक एक डॉट हम दिखा देंगे, यानी कि डॉट का मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो कार्बन होता है, कार्बन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और 6 के हिसाब से इसके आउटर मोस्ट शेल में आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि इस कार्बन पे इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। अब 4 में से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये शेयर कर लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ में शेयर करेगा, और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन वो आगे वाले कार्बन के साथ में शेयर करेगा, ठीक है। अब जब इसने शेयर किया तो क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है ड्यूप्लेट बन गया, यानी कि ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में आ गया। इसी प्रकार ये भी ड्यूप्लेट बन गया और ये भी ड्यूप्लेट बन गया, ठीक है। अब देखते हैं इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ में, एक इसके साथ में, और एक इसके साथ में, और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन वो पिछले कार्बन के साथ में शेयर कर लेगा, ठीक है। अब देखते हैं इस प्रकार आपके ये वाला हाइड्रोजन ये और ये वाला, ये आपके 6 के 6 हाइड्रोजन आपके ड्यूप्लेट बन गए, यानी कि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में आ गए, ठीक है। अब देखना आपको कार्बन को, कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए टोटल, है ना। तो देखते हैं, दो यहां से, दो यहां से, दो यहां से, और ये दो यहां से, ठीक है। इस कार्बन के टोटल में आके आपके 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके आ गए, यानी कि इसका, इस कार्बन का आपका ऑक्टेट बन गया, यानी कि ये भी अपनी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में आ गया बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार आपका ये कार्बन भी 8 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार कवर कर लेगा अपने ऑक्टेट में और अपने नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में आ जाएगा, और इस प्रकार आपका ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात तो है नहीं। आप क्या करेंगे, आप इसी स्ट्रक्चर को लेके आप आसानी से इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। देखते कैसे करेंगे, हमने कार्बन को पहले इस प्रकार लिखा था, लिखा, और हाइड्रोजन को हमने इस प्रकार लिखा था, तो हमने सेम लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, हाइड्रोजन ने भी एक शेयर किया, कार्बन ने भी एक शेयर किया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार यहाँ पर हुआ है, कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यानी कि यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। और सेम इसी प्रकार से सब जगह पर कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन ने भी एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया है, इसलिए यानी कि सब जगह सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और इस प्रकार आपका ये बन गया है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, किसका, एथीन का, जो कि एल्केन सीरीज का एक मेंबर है, ठीक है। तो आप इस प्रकार बहुत ही इजीली एल्केन सीरीज के किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा आपको समझ में आया, अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया आपको कोई भी दिक्कत है इस वाले पार्ट में कि इस ये कैसे इलेक्ट्रॉन चलेगा, यहाँ कैसे हुआ, तो आप मुझसे कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले स्ट्रक्चर जो कि आपका होने वाला है एल्कीन सीरीज, करने जा रहे हैं एल्कीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखते हैं एल्कीन में हमने एग्जांपल लिया इस बार प्रोपीन का, और प्रोपीन का आपका फॉर्मूला होता है C3H6 और इसका जनरल फॉर्मूला होता है आपका CnH2n, ठीक है ना। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, और इस वीडियो से पहले हम दो पार्ट इसके और चैप्टर के अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपका उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, आ जाके देख सकते हैं। देखते हैं हम इसका कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर। देखते हैं यहाँ पर आपके कार्बन है 3, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 3 कार्बन पहले इस तरीके से लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपका ये प्रोपीन है, यानी कि आपका एल्कीन है, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सेक्शन में कि प्रोपीन जो भी एल्कीन जो होते हैं वो आपके होते हैं अनसैचुरेटेड, और उसमें आपके कौन से बॉन्ड आते हैं, उसमें आपके डबल बॉन्ड आते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इन दोनों में से किसी भी एक जगह पर आपका डबल बॉन्ड आना फिक्स है, ठीक है।
अब देखते हैं, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड लाऊंगा तो कैसे लाऊंगा, देखते हैं। इस कार्बन के पास में होते हैं आपके चार इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है। तो चार में से अगर मुझे यहाँ डबल बॉन्ड बनाना है तो मैं क्या करूंगा, दो इलेक्ट्रॉन मुझे इस साइड शेल का नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। और बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन में ऊपर दो हाइड्रोजन रख के इनके साथ में शेयर कर लूंगा, तो वो इसके चार पूरे, क्योंकि देखो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था पहले से ही आउटरमोस्ट शेल में, सेम इसके पास में था, तो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन ने लिया, एक ने ले लिया, ठीक है, दो हो गए और बचे हुए दो आगे कार्बन ने भेज दिए, ठीक है। अब जब यहाँ पर डबल बॉन्ड में बनाना है तो अगर इस कार्बन से यहाँ पर डबल बॉन्ड गए हैं, दो इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड यहाँ बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देगा, ठीक है, और हमारी बात दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देगा। और अब यहाँ डबल बॉन्ड हमारा बन चुका है तो हम क्या करेंगे, आगे वाले पार्ट में हमारा सिंगल बॉन्ड ही बनना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एल्कीन सीरीज में सिर्फ एक बार ही डबल बॉन्ड आपका बनता है, ठीक है ना, 1 से लेकर 10 तक के कंपाउंड में, ठीक है। तो अगर इस कार्बन ने यहाँ पर अपने दो इलेक्ट्रॉन भेज दिए हैं तो आपके बचे दो इलेक्ट्रॉन बचे आपके चार में से दो, ठीक है, तो बचा हुआ एक वो यहाँ भेजेगा ताकि वो इस कार्बन के हाथ में भी एक एक इलेक्ट्रॉन लेके शेयर करके सिंगल बॉन्ड बना सके, ठीक है ना। अब इस कार्बन के बाद में बचा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना, चार में से दो यहाँ पहुंच गए, एक यहाँ पहुंच गया, बचा एक। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर या नीचे किसी भी एक जगह पर इस प्रकार हाइड्रोजन बना लेंगे और बचा हुआ चौथा इलेक्ट्रॉन इसके साथ में इस प्रकार शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो इस कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं इस कार्बन की तरफ, ठीक है। देखिए इस कार्बन ने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भेजा था शेयरिंग के लिए, तो ये कार्बन भी इस साइड में एक इलेक्ट्रॉन भेजेगा शेयरिंग के लिए, ताकि क्या सिंगल बॉन्ड बन सके, क्योंकि जब दोनों साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आपका बनेगा सिंगल बॉन्ड, अगर दोनों ही साइड से दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आपका बनेगा डबल बॉन्ड, ठीक है। इस प्रकार हम बता देंगे डबल बनेगा सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं, अगर इस कार्बन ने अपने चार में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिया तो इसके बाद बचना चाहिए तीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और तीन को शेयर करने के लिए हमें चाहिए तीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो वो तीन हाइड्रोजन हम यहाँ बना देंगे और वो तीन बचे हुए इलेक्ट्रॉन इनके साथ में शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपका बन चुका है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, किसका, प्रोपीन का, ठीक है, बहुत इजी था ये। अब देखते हैं हाइड्रोजन का डुप्लेट तैयार है, ये भी तैयार है, ये भी तैयार है, ये भी तैयार है, ये भी और ये भी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कार्बन के ऑक्टेट पूरा होना चाहिए ना, देखते हैं इस कार्बन का ऑक्टेट कैसे पूरा होगा, यहां से दो और बचे हुए चार, यहां से हो गए आठ, दो और चार यार छह और ये दो आठ, ठीक है। इस प्रकार इस कार्बन के भी आठ बनने चाहिए कैसे भी करके, तो देखते हैं चार यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, बन गए आठ। और एक सर्कल के अंदर एक ही कार्बन आना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इस कार्बन के लेंगे तो क्या करेंगे हम, दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से और दो यहाँ से, तो इस प्रकार आपका बन चुका है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसका प्रोपीन का, यानी कि जो कि आपका एल्कीन सीरीज का मेंबर है, ठीक है। अब इसका हम बनाएंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वो कैसे बनेगा, इसी स्ट्रक्चर को देख के हम बना देंगे इजीली, देखते हैं। हमने कार्बन को रखा था इस प्रकार, ठीक है, हाइड्रोजन हमने कैसे कैसे रखे, दो हाइड्रोजन रखे हमने यहाँ पर ऊपर, तो देखते हैं यहाँ पर हमने दो हाइड्रोजन रखे इस प्रकार, जैसे हमने यहाँ पे रखे थे, और यहाँ पर हमने नीचे रखा था तो यहाँ पे नीचे रख देंगे, और यहाँ पर हमने ऊपर नीचे और एक राइट साइड में रखा था हाइड्रोजन, हमने इस प्रकार सेम रख दिया हमने, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर देख कर। अब देखते हैं ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो यानी कि सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है यानी कि यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड ही आएगा, लेकिन इन दोनों कार्बन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है तो यानी कि यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सब जगह पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर हुआ है, यानी कि बाकी सब जगह आपका सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और ये आपका तैयार है प्रोपीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या दिक्कत है इसमें, बहुत सिंपल चीज है, अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आशा करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि आपको एल्कीन सीरीज के किस प्रकार आपका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर फॉर्म आपको बनाना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एल्काइन सीरीज की तरफ और देखते हैं कि उसका ये दो स्ट्रक्चर कैसे बनाए। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं कि हम एल्काइन सीरीज के किसी भी मेंबर का हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाया जाएगा, देखते हैं। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है एल्काइन में ब्यूटाइन का, ठीक है। पहले हमने एग्जाम्पल लिया एथेन का, फिर हमने एग्जाम्पल लिया एल्कीन के लिए ब्यूटेन का, और यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं अगले वाले कंपाउंड को जो कि आपका ब्यूटाइन, ठीक है। इसका आपका फॉर्मूला होता है C4H6 और इसका जनरल फॉर्मूला आपका होता है एल्काइन सीरीज का CnH2n-2, जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसका हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ठीक है। देखते हैं
जहां पर आपके कार्बन है टोटल चार, तो आपको चार बार आपको कार्बन लिखना पड़ेगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आपके हाइड्रोजन सिर्फ आपके छह हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो आपको बताने जा रहा हूं आपको उस पर ध्यान देना और आपको ऑटोमेटिकली आपके हाइड्रोजन आपके आधे चले जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं ये आपका एल्काइन है और एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड तो आपका आता ही आता है किसी भी एक कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। यानी कि आपका या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड आना आपका फिक्स है, ठीक है। मान लीजिए मुझे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बनाने, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, मुझे इस कार्बन के तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करने पड़ जाएंगे ना, तो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन में इस हाइड्रोजन को रखकर यहाँ पे शेयर कर लूंगा, ठीक है। अब इस कार्बन के तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए तो इस कार्बन के भी तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयरिंग में आ जाएंगे ताकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन सके, ठीक है। तो इस प्रकार इस कार्बन का व्यापार एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब वो कहाँ जाएगा, वो आपका जाएगा आगे वाले कार्बन का शेयर होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी हाइड्रोजन आपको नहीं रखना। अब देखते हैं अगर इस कार्बन से आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गया है तो इस कार्बन से भी आपका यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा शेयरिंग में ताकि यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड बन सके, ठीक है। आपके चार में से बचे आपके तीन इलेक्ट्रॉन्स। अब वो तीन इलेक्ट्रॉन्स में से आपका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा आगे, ठीक है, ताकि वो इस कार्बन के सिंगल बॉन्ड बन सके और बाकी बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन आपके आ जाएंगे यहां पर, ठीक है। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर, ठीक है। अब देखते हैं इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा शेयरिंग के लिए, ठीक है, ताकि सिंगल बॉन्ड बन सके। अब बचे हुए इसके तीन इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, यहां पर हम तीन बार रख देंगे हाइड्रोजन ताकि तीन इलेक्ट्रॉन यहां पर हो सके आपके शेयर, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं सारे हाइड्रोजन हमारे क्या है, डुप्लेट बना चुके हैं, ठीक है, सारे हाइड्रोजन डुप्लेट बन चुके। अब कार्बन का ऑक्टेट बनना चाहिए, देखते हैं दो यहां पर है और छह यहां पर है, ठीक है, बन गया ऑक्टेट इस कार्बन का, ठीक है, रेडी है। अब देखते हैं इस कार्बन का छह यहां पर है, दो यहां पर है, बन गया ऑक्टेट, ठीक है। इस कार्बन के लिए दो चार छह और ये दो आठ, ठीक है, ऑक्टेट पूरा हो गया, कंप्लीट है। इस कार्बन के लिए दो चार छह और ये दो आठ, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस प्रकार आपका तैयार हो चुका है ब्यूटाइन, जो कि एल्काइन सीरीज का एक मेंबर है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम इसी को देख के सेम बना लेंगे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, देखते हैं। सी को रखना है हमें चार बार, एक दो तीन चार, ठीक है। अब देखते हैं इस सी पर हमने सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रखा था, तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन रख देंगे, ठीक है। अगले वाले सी पर हमने एक भी हाइड्रोजन नहीं रखा, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं रखेंगे। अगले सी पर हमने दो हाइड्रोजन रखे हैं ऊपर नीचे, ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमने रख लिया। और लास्ट वाले पे हमने तीन रखे हैं हाइड्रोजन, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर और इस कार्बन के बीच में तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो, तो यानी कि यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड तो आपका यहाँ बन जाएगा, ठीक है। और बाकी सब जगह आप देखेंगे तो आपका एक एक इलेक्ट्रॉन हुआ है शेयर, तो यानी कि बाकी सब जगह आपका सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका तैयार हो चुका है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस चीज का, ब्यूटाइन में, जो कि एल्काइन सीरीज का एक मेंबर है, ठीक है, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका ये होता है, ठीक है। तो बच्चे लोग यहाँ पर हमारी आज की वीडियो खत्म होती है और ये चैप्टर भी आपका फिनिश होता है, क्योंकि आपके टर्म टू के लिए सिलेबस इस चैप्टर सिर्फ इतना ही है, ठीक है, इसके आगे आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।